संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के प्रकरण है बद्दू दादा को छुड़ा लिया गया नामक कहानी को पढ़ेंगे, जो कि पाठ 2 में है। तो ठीक है, चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, यह एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है बल्लू दादा एक हाथी है। एक हाथी होता है मुख्य पात्र, जो कि बल्लू दादा नाम का एक हाथी होता है। जब जंगल के सभी जानवर काम पर जाने लगते तो बल्लू दादा उनके बच्चों का ख्याल रखते थे। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते, शाम को वे घर चले जाते थे। एक बार, इस कहानी में यही बताया गया है, कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़ कर ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर बल्लू दादा को छुड़ा लिया। और मंत्री खरगोश जो था वो मंत्री था, उसने एक तरकीब निकाली और सभी जानवरों ने मिलकर उस तरकीब को अंजाम दिया और बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। यही इस कहानी का सारांश है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज्यादा भरोसा था। आप सभी को पता चल गया कि बल्लू दादा एक हाथी का नाम है, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, और वही जंगल के सभी जानवरों की देखभाल करते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दिया है बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज्यादा भरोसा था कि जब वे काम पर जाते तो अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर जाते थे। बल्लू दादा को बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे भी बल्लू दादा से बहुत प्रेम करते थे। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों का ध्यान रखते जैसे कि उनके खुद के अपने ही बच्चे हों। कभी कभार जब बच्चे उधम मचाते तो उन्हें वो डांटते और फिर प्यार भी करते। कोई बच्चा यदि आपस में झगड़ता है तो उसे समझाते हैं कि देखो बच्चों, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। और बच्चों के साथ बल्लू दादा खूब मस्ती करते। जब शाम होती तो नदी के पास सारे बच्चों को इकट्ठा करके अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह उनके ऊपर पानी छोड़ते और बच्चे खूब हा हा हू हे हे करते हुए मौज मनाते। ठीक है, वे कहते और बल्लू दादा और बल्लू दादा। बच्चों को तो खेलने में मजा ही आता है। जब बल्लू दादा थककर चूर हो जाते, उनके साथ नहीं खेलते, तो शाम को बल्लू दादा को धन्यवाद देकर सारे बच्चे घर चले जाते। और बच्चे बल्लू दादा को इतना प्यार करते थे कि छुट्टी वाले दिन भी वो जब उनके माता पिता काम पर नहीं जाते तब भी वो बल्लू दादा के पास आ जाते। और जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ एक जानवरों का छोटा सा कस्बा था जो बहुत ही दुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया। बल्लू दादा तो थे ही जंगल के सारे पशु पक्षियों की देखभाल करते थे, उनके बच्चों को समझा कर रखते थे। ठीक है, और जंगल में नदी के किनारे यह जानवरों का छोटा सा कस्बा था, जिसमें एक खरगोश था। वह बहुत ही चालाक था, इसलिए उसे मंत्री बनाया गया था। फिर क्या होता है, एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं और बल्लू दादा को पकड़ कर ले जाते हैं। सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर छुप जाते हैं। और जब जंगल में शाम को सारे पशु पक्षी आते हैं
तो उनके बच्चे उनको बताते हैं कि कुछ शिकारी बल्लू दादा को पकड़कर ले गए हैं। फिर सभी जानवरों ने बरगद के विशाल पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई और सभी ने यह संकल्प किया कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? तो सभी जानवरों ने एक साथ कहा, हाँ। तो ठीक है, अब हमें क्या सोचना होगा? बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए अब उन लोगों ने तरकीब सोचना शुरू कर दिया। तो मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई एक चील ने हाँपते हुए कहा, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर अचरज से पूछा। जिस समय खरगोश सभी जानवरों से बात कर रहे थे कि बल्लू दादा को कैसे छुड़ाया जाए, वह कहाँ है, उसी समय एक चील उड़ते हुए हाँपते हुए आई सभा में और कहा, मुझे मालूम है कि बल्लू दादा कहाँ है। तो सभी जानवरों ने एक साथ कहा, कहाँ है? तो मंत्री खरगोश ने सभी को शांत करने के लिए कहा और चील से पूरी बात बताने के लिए कहा। चील ने बताया, मैं जब घर लौट रही थी तो देखा रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़ कर ले जा रहे थे। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे और बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। बस मैंने आवाज़ लगाई, बल्लू दादा आप अपना ध्यान दीजिए और हम आपको छुड़ाने जरूर आएंगे। और चील जो है बल्लू दादा के साथ ऊपर उड़ता हुआ चला गया और जहाँ पर बल्लू दादा को कैद कर रखा गया उस जगह को चील ने देखा था। फिर जब चील ने बताया तो खरगोश ने कहा, शाबाश। मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा कि चलो हम अभी चलते हैं बल्लू दादा को छुड़ाने। तो खरगोश ने कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत है जो कि मुझे पसंद नहीं, न सोचा न समझा और छुड़ाने चल दिए। तो बुद्धिमान लोग हमेशा सोच समझ कर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हमें तरकीब निकालनी होगी ताकि हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। सभी जानवरों ने कहा, तो हम क्या करें? बल्लू दादा ने कहा, अभी रात हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर जाएं और सुबह तक कोई तरकीब सोच कर ही आए। फिर हम लोग एक साथ बैठकर बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे बल्लू दादा को छुड़ाने। इसके बाद सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और जब सुबह होती है तो सभी पशु पक्षी उस बरगद के पेड़ के पास आते हैं और बात होती है कि बल्लू दादा को कैसे छुड़ाया जाए। और सारे जानवर इतने परेशान होते हैं, खरगोश देखकर समझ जाता है, पूछता है क्या कोई तरकीब सूझी। सारे जानवर चुपचाप से बैठे रहते हैं। तो फिर खरगोश कहता है कि देखो वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं, ठीक है, मैंने तो उन्हें, तो चील बोलता है, मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था और उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध भी रखा था। तो खरगोश कहता है ठीक है। मंत्री खरगोश जब रात भर सोच लेते हैं तब वह विचार करते हैं कि जितनी मेहनत और होशियारी से हम लोग काम करेंगे उतनी ही जल्दी बल्लू दादा को हम लोग छुड़ा सकते हैं। और खरगोश ने सबको तरकीब बता दिया, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ होगी, खरगोश ने कहा। तो सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को जाकर उस चील के साथ जाकर उस
जगह ले गए जहाँ पर बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए वह जगह अंदर जाना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जिस जगह पर बल्लू दादा को कैद किया गया था वह चारों तरफ से दीवार थी, और चील ऊपर से उड़कर जाकर देखा कि बल्लू दादा इसी में हैं। तो चील ने क्या किया, सारे जानवरों के साथ वहाँ पहुँचा और चील ने जाकर बल्लू दादा को धीरे से उस तरकीब को बता दिया। फिर बल्लू दादा ने वैसा ही किया। एक रात क्या हुआ, कुछ चूहे गए जिन्होंने उस चार दीवारी के नीचे छेद कर दिया और छेद करके चले आए, और बल्लू दादा को चील ने सारी बातें बता दी। फिर अगले दिन क्या हुआ, सारे जानवर एक एक करके पहुँचे और सबसे पहले चूहे गए और उस चार दीवारी के बाहर दो व्यक्ति खड़े हुए थे। तो जब चूहे गए तो उस छेद में से जाकर बल्लू दादा के हाथ पैर में जो रस्सियाँ बंधी हुई थी उनको उन्होंने काटा, और काटने के बाद बल्लू दादा नीचे गिर पड़े और अपनी आँख बंद कर लिए, और कुछ गिद्ध उनके ऊपर जाकर बैठे। फिर बाहर जो पहरेदार लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि अरे ये हाथी गिरा पड़ा क्यों है, लगता है कि यह मर गया है, तभी इसके ऊपर गिद्ध बैठे हुए। चार गिद्ध गए थे जंगल से, दो गिद्ध बल्लू दादा की पीठ पर बैठ गए और दो गिद्ध ऊपर से मंडराने लगे। तो उन पहरेदारों ने सोचा कि जब कोई जानवर मर जाता है तभी उसके ऊपर गिद्ध बैठते हैं। फिर उन्होंने जाकर अपने मालिक को खबर की, वो भी आए, देखते हैं कि हाँ लगता है ये हाथी मर गया है। इसके बाद उस दरवाजे को खोल दिया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हाथी उठकर बड़े ही तेज़ी से जंगल की ओर भागता है, और जो दोनों पहरेदार होते हैं बंदूक लिए वो उनके पीछे भागते हैं। तो बंदर जो रहता है पेड़ पर वह उन पहरेदारों के ऊपर कूद जाता है, और जितने भी पशु पक्षी होते हैं सारे धूल को उठाकर पहरेदारों की आंखों में डाल देते हैं, जिनसे पहरेदार अपनी आंखों को पकड़े होते हैं। ठीक है, तो बंदर पहरेदारों के बंदूक को लेकर कुछ दूरी पर फेंक देते हैं। इसके बाद जाते जाते बल्लू दादा अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब यहाँ पर हमला हो जाता है तो सारे जानवर एक एक करके जंगल में आ जाते हैं, और वो लोग अपनी जगह को बदल देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। यही इस कहानी का सारांश है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए, और सभी के लिए हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो आप सभी इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं इनको भी देख लीजिए, और PDF में प्रश्नोत्तर भेज दिया जाएगा, उसे देखकर आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। जैसे सम्मिलित, सभा में सम्मिलित हुए, सम्मिलित का क्या अर्थ होगा, शामिल। ऐसे आप लोग अपनी कहानी में लिखिएगा शब्द अर्थ, यहाँ आप लिखेंगे सम्मिलित। सम्मिलित का क्या होगा, शामिल। और एक शब्द आया है जोखिम, जोखिम का होता है खतरा। सूझबूझ, सूझबूझ का क्या होता है, समझदारी।
दादा को छुड़ा लाते हैं। तो जो मंत्री खरगोश होता है वो कहता है कि नहीं, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, मतलब समझदारी से काम लेना चाहिए। तरकीब, एक शब्द आया है तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है युक्ति, उपाय, ठीक है। निर्णय, निर्णय का क्या अर्थ होता है, निर्णय का अर्थ होता है फैसला, निर्णय का क्या अर्थ होता है फैसला। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पार्ट दो में जो बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया कहानी है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप सब इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ भेजा जाएगा तो आप लोग कॉपी पर प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।